सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट भजन की वीडियो सुनने के लिए। तो बैसाख मास में श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करना, उनके भजन कीर्तन करना, उनके कथा को सुनने का विशेष महत्व बताया जाता है। तो आज हम आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक बहुचर्चित कथा सुनाएंगे। दोस्तों यह कथा यदि आपने पहले सुनी है तो भी आप हमें बताइएगा, और नहीं तो हमारी कथा आपको कैसी लगी ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए हम अपनी कथा को शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु धरती दर्शन के लिए उतरे और धरती पर आने से पहले वह अपने घर जब तैयारी कर रहे थे तो उन्हें तैयार होता देख माता लक्ष्मी के मन में इच्छा जागृत हुई कि भगवान विष्णु कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने सकुचाते हुए भरे मन से पूछा कि श्री हरि आप कहीं जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा, हाँ देवी, हम धरती दर्शन के लिए जा रहे हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? भगवान ने कहा, आपकी इच्छा, लेकिन जाने से पहले मेरी कुछ शर्त है। भगवान ने कहा, लक्ष्मी एक ही शर्त पर धरती के दर्शन के लिए हमारे साथ चलेंगी, जब आप उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखेंगी। हर दिशाओं में आप भ्रमण करेंगी और हर दिशा का आनंद लेंगी, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ आप अपनी नजरें नहीं उठाएंगी, उस तरफ आप अपनी नजरें नीचे कर लेंगी। माता लक्ष्मी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और दोनों माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु धरती भ्रमण के लिए निकल पड़े। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय था जब माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु धरती भ्रमण के लिए निकले थे। ऐसे में धरती का बहुत ही मनोहर दृश्य, उस समय सूरज की किरणें धीरे धीरे निकल रही थीं और नदियां कलकल बह रही थीं और पक्षियों के कलरों की आवाज आ रही थी और हरियाली धरती बहुत ही मनोहर लग रही थी। इतना सुंदर दृश्य देखकर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था और इतनी हरियाली, इतनी मीठी मीठी पक्षियों का कलरों का धुन सुन के माता लक्ष्मी भाव विभोर हो गईं और उन्हें इतना सुंदर दृश्य देखने को नहीं मिला था। और कब वो ऐसे में उत्तर दिशा की तरफ देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे जब वह उत्तर की तरफ नजर उठाकर देखा तो वहां से कुछ खुशबू, भीनी भीनी से खुशबू उनको आ रही थी और वह सम्मोहित कर रही थी। और माता लक्ष्मी अपने आप को रोक ना सकी, उत्तर दिशा की तरफ उस खुशबू से आकर्षित होकर उस दिशा में चली गईं। और जब उन्होंने देखा एक सुंदर सा फूलों का बागीचा है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर से पुष्प खिले हैं, वहीं से वह खुशबू आ रही थी। वहां से उन्होंने एक पुष्प लिया श्री हरि विष्णु को देने के लिए। और यह सारा कार्य श्री हरि विष्णु देख रहे थे कि माता लक्ष्मी अपने वचनों का उल्लंघन कर रही हैं। वह मंद मंद मुस्का भी रहे थे कि माता लक्ष्मी खुशबू से अपने आप को रोक नहीं पाई और वह सुगंध से आकर्षित होकर खींची चली गईं। जब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान को पुष्प समर्पित करने लगी तो भगवान ने पूछा, प्रिय आपने हमारी बातों का उल्लंघन किया। तब माता लक्ष्मी को एहसास हुआ कि यह बात सत्य है। वह बोली, भगवान इतना सुगंधित वातावरण था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और कब मैं उत्तर दिशा की तरफ देखने लगी और कब मैं वहां चली गई मुझे खुद नहीं पता चला। मैंने आपके वचनों का उल्लंघन किया है, यह मेरी गलती है और मैं प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार हूँ। विष्णु ने बोला कि आपको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा और आपको दंड भी मिलेगा। विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुमने किसी के बाग से पुष्प को लिए हैं बिना बताए, यह भी कार्य गलत होता है और हमारे वचनों का उल्लंघन किया यह भी दंडनीय है। तो दोनों अपराध का दंड आपको भोगना पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार हो जाएं। माता लक्ष्मी ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और बोले, प्रभु आप अपना दंड बताइए। उन्होंने कहा कि दंड आपका है कि आप मुझसे कुछ दिनों के लिए अलग रहेंगी, यह आप जो वचनों का उल्लंघन किया है उसके स्वरूप आपका दंड है।
और जो आपने बागीचे से बिना पूछे पुष्पों को तोड़ा है वह आपका प्रायश्चित होगा कि बाग का जो माली है उसके घर आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इस तरीके से भगवान विष्णु स्वर्ग लोक चले गए और माता लक्ष्मी धरती पर अपना प्रायश्चित और दंड भोगने के लिए रुक गईं। उस बाग के माली का नाम केशव था। केशव अपने घर में सुबह सवेरे खेतों में जाने की तैयारी कर रहा था। केशव की पहले से दो बेटियां थीं। वह बहुत ही गरीब और साधारण व्यक्ति था। बहुत ही मुश्किल से दो वक्त की रोटी वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इकट्ठा कर पाता था। तभी उसने देखा कि एक सुंदर सी कन्या उसके दरवाजे पर खड़ी है। कन्या को देख उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए कन्या। वह कन्या माता लक्ष्मी थी, जो कि एक साधारण महिला के रूप में वहाँ पे खड़ी थी। कन्या ने कहा, बाबा मुझे आपके घर आसरा चाहिए, मेरा इस दुनिया में इस धरती पर कोई नहीं है। वह माली बोला कि बेटा आप मेरे घर रह सकते हो, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। मेरे घर में तुम्हारे भरण पोषण में कोई कमी भी हो सकती है, क्योंकि हम इतना अन्न धन नहीं कमाते हैं कि अपनी दो बेटियों का पालन पोषण कर सकें, तो हम तुम्हारा क्या ख्याल रखेंगे। माता लक्ष्मी ने कहा, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है बाबा, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे मेरी दो बेटियां हैं तू मेरी आज से तीसरी बेटी है। ऐसा कहकर उसे घर में ले गया और अपनी बेटियों से परिचय कराया। सारी तीनों बेटियां एक साथ रहती, खाती और अपने बाबा की सेवा करती। माली काम पे जाता और लड़कियां उसके लिए खाना बनाती, माली के लिए खाना पहुंचाती। इस तरह से सभी एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। समय बीतता गया। धीरे धीरे माली के घर में माता लक्ष्मी के आने से खुशहाली आने लगी। अन्न धन की कृपा हो गई, यानी उसके जो खेतों का फुलवारी थी बहुत ही अच्छी होने लगी, और फसल अच्छी हुई तो कमाई भी अच्छी होने लगी, जिसके फलस्वरूप उनके घर में अन्न धन की कमी नहीं रही। और इस तरीके से बहुत ही खुशी पूर्वक उनका समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों बाद माली ने अपने दो कन्याओं का विवाह कर दिया, और तीसरी कन्या जो उनकी मुंह बोली यानी माता लक्ष्मी के विवाह की भी उसे चिंता होने लगी। और धीरे धीरे समय बीतता गया, माता लक्ष्मी के प्रायश्चित का भी समय पूर्ण हो गया। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए और माता लक्ष्मी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और अपने स्वरूप में आ गईं। यह समय संध्या का समय था, जब माता लक्ष्मी लाल साड़ी में तैयार गहनों से लदी माली के दरवाजे पर खड़ी थी। माली अपने काम से लौटा तो ऐसा दिव्य रूप देखकर वह चौंक गया, और उसके बाद वह देखने पर उसे पता चला यह तो वही है जो हमारे घर में हमारी कन्या थी। उसे समझते देर न लगी कि यह कन्या माता लक्ष्मी का स्वरूप थी। वह दोनों हाथों को जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हमें माफ करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया जो हमने आपको पहचाना नहीं। माता लक्ष्मी ने उसे उठाया और बोला, तुमने हमारी बहुत सेवा करी है, अपनी बेटी जैसा सम्मान दिया है, तुम खुश रहो, हमारा आशीर्वाद तुम भी सदा बना रहेगा। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वर्गलोक को चले आए। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी कोई अपराध नहीं करना चाहिए, जाने या अनजाने में, और ना ही किसी की वस्तुओं को बिना बताए लेना चाहिए। जब श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को बिना दंड लिए उन्हें स्वीकारा नहीं, तो हम मनुष्यों को भी अपने किए की सजा भुगतनी चाहिए, और हमें अपने किए की सजा अवश्य मिलती है। तो ये थी हमारी कथा श्री हरि और माता लक्ष्मी की। वैशाख महीने में इस कथा को सुनने से अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है और आत्मा को शांति मिलती है। तो ये थी हमारी कहानी माता लक्ष्मी और श्री विष्णु की। यदि हमारी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज